बुलंदशहर प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन करने पर अब तक 23 सर्वेयर और 6 इंजीनियर्स की सेवा की गई समाप्त। फर्जी जियो टैगिंग करवाकर सर्वेयर और इंजीनियर्स ने विभाग से निकलवा ली लाभार्थियों के नाम से रकम। शिकायत के बाद कराई गई जांच में सामने आया था फर्जीवाड़ा। सर्वेयर और इंजीनियर्स के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR। FIR के बाद बुलंदशहर ADM F ने 26 सर्वेयर और 6 इंजीनियर्स की सेवा की समाप्त। दलालों से दूर रहने की दूर अधिकारी ने की अपील। और जो हमारी एजेंसी काम कर रही है REPL नोएडा की, उसके कुछ सर्वेयर और उसके कुछ इंजीनियर्स लोगों से कहीं कहीं अवैध धन प्राप्त कर ले रहे हैं उनको जियो टैग करने में। उसी में समय से पहले जियो टैग कर देना ये भी अपराध है और इसी आधार पर कुछ मामले पकड़े गए और कुछ शिकायतें हमको प्राप्त हुई। उन शिकायतों के आधार पर जाँच कराई गई। जाँच में जो जो सर्वेयर गलत पाए गए या जिन्होंने किसी से कोई लाभ प्राप्त करने की कोशिश की और वो बात सामने आई हम लोगों के, जांच में पाया गया कि ये दोषी हैं, उन सभी की सेवाएं समाप्त करने के लिए कंपनी से सेवाएं समाप्त करा दी गई। ऐसे लोग जो थे उनमें हमने 4 FIR अभी तक जनवरी से अब तक कराई है, 9 लोगों की, जिसमें 9 लोग शामिल हैं और इसके अलावा 23 सर्वेयर की सेवाएं अभी तक समाप्त कराई जा चुकी हैं और 6 उनके इंजीनियर जिनकी सेवाएं समाप्त करके ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उनको दोबारा सेवा योजन में नहीं रखा जाएगा और वो कहीं भी पूरे में कहीं भी वो काम नहीं। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस जिले के सत्र निकाय के जनता से अपील करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अनियमितता पाई जा रही है उसके संबंध में मैं दोबारा पुनः ये अपील करना चाहूंगा जनता से कि किसी भी दलाल, लोकल दलाल, किसी सभासद या REPL कंपनी जो स्वतंत्र रूप से इस योजना को फील्ड में देख रही है, उनके बहकावे में किसी तरह का कोई भी धन या किसी तरह का उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश न करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें किसी तरह का 1 रूपये का भी कोई खर्चा किसी को नहीं होना है। और अगर आप लोगों को इस टाइप के लोग कोई परेशान करते हैं तो डूडा कार्यालय में आकर शिकायत करें। जैसे कि मैं पूर्व में आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।